यो व्हाट्स अप। सो आज का ये ब्लॉग है मेरे स्नेक टैंक के बारे में। सो बेसिकली इट्स कॉल्ड अ टेरेरियम, और टेरेरियम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं एक सांप लेके आने वाला हूँ घर पे। सब लोग बोल रहे हैं कि मैं बहुत वियर्ड हूँ। हाँ हूँ मैं वियर्ड, कुछ हेल्प नहीं कर सकते। सो बेसिकली आई गॉट दिस टेरेरियम फ्रॉम दिस प्लेस कॉल्ड petpedia.in। वो लोगों को मैंने मेल किया कि मैं स्पिन डॉक्टर हूँ, थोड़ा डिस्काउंट दो। वो लोग ने मेरे को एकदम हैवी डिस्काउंट दिया है, और वेरी वेरी गुड कस्टमर केयर सर्विस। उन्होंने थोड़ा टाइम लगाया बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, लेकिन फाइनली मेरा स्नेक टैंक AKA टेरेरियम इज हियर। और ये लोग ने एकदम तोड़फोड़ वुडन पैकिंग में भेजा है, तो अभी इसको अपन खोलते हैं और देखते हैं कि टेरेरियम कैसा है। मैं इसको बाहर निकालता हूँ। ये जो कंपनी है इट्स कॉल्ड एक्सोटेरा। एक्सोटेरा मतलब US का वन ऑफ द टॉप टेरेरियम कंपनी है। मतलब वहाँ पे जितने भी लोग हैं जो रेप्टाइल्स पालते हैं लाइक एक्जॉटिक पेट, सो वो लोग एक्सोटेरा का टैंक यूज़ कर सकते हैं, तो अपन क्यों नहीं। इसलिए मैंने भी ले लिया है। थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो गया, लेकिन आई वांटेड टू मेक श्योर कि मतलब मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ लूँ। एंड वंस अगेन थैंक्स टू petpedia.in जिन्होंने मेरे को एकदम हैवी वाला डिस्काउंट दिया है, और एकदम मस्त में पैक करके भेजा है ये घर पे। तो अभी इसको खोलेंगे और खोल के देखते हैं क्या है, और इसको सेटअप करके पूरा व्लॉग होगा। तो ये सेटअप करने के लिए मेरे को आकृति है, वो मेरे को हेल्प करने वाली है। शी इज़ रियली गुड आर्ट डायरेक्टर, और मैंने उसको थोड़ा ब्राइब दिया है कि यार आके प्लीज़ थोड़ा सेटअप करने में हेल्प कर दी। और फिर वंस माई होल टेरेरियम इज़ रेडी, उसके बाद आई एम गोना गेट माई स्नेक। अच्छा, तो ये स्नेक आने के पहले सब लोग मेरे को पूछ रहे थे इज़ इट इलीगल, इट इज़ लीगल, ये वो। मैंने पूरा रिसर्च किया, और मेरा रिसर्च ये कहता है कि अगर आप कोई इंडियन ब्रीड पेट करते हो देन इट इज़ इलीगल, बिकॉज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो रहता है उसमें इंडियन ब्रीड्स के बारे में मेंशन किया है। लेकिन इफ़ यू आर गेटिंग एन एग्जॉटिक ब्रीड देन इट डजेंट कम अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एंड यू कैन कीप एन एग्जॉटिक ब्रीड। सो मैं मोस्टली एग्जॉटिक ब्रीड ही ले रहा हूँ, और अपने सांप को मैं बहुत जल्दी दिखाऊंगा आपको। मीनवाइल लेट्स ओपन दिस थिंग राइट हियर। यो, सो इसको खोलते खोलते मेरी फट के हाथ में आ गई है, इतना पसीना हो गया है क्योंकि इतने सारे क्रूज क्रूज। लेकिन ये होने वाला है काफ़ी रोमांचक और रोमांचक। लेट्स सी। ओ भाई, लुक एट दिस। ये है अपना टैंक, फुल हार्ड। इसको बाहर निकाल के अपन चेक करते हैं। सो बेसिकली ये है अपना टैंक, और इसका ये मुंडी हटाओ, ये ऊपर से ये नेट है इसका, यहाँ पे एक क्लिप है जिससे होल्ड करेगा। उसका पीछे का बैकग्राउंड वो है फुल हार्ड। अभी मैं पूरा क्लीन करके सब एक के बाद एक एक्सप्लेन करूँगा। ये है अनिल जिसने मेरे को टैंक उठवाने में मदद किया, क्योंकि मेरी तो फटके हाथ में आ गई थी उठाते। आई सी यू। सो ह्यूज शाउट आउट टू एक्सोटेरा एंड फॉर मेकिंग दिस गुड क्वालिटी टेरेरियम, एंड बिग शाउट आउट टू petpedia.in जिन्होंने मेरे को हार्ड डिस्काउंट दिया है, लाइक फटे डिस्काउंट दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक्सोटेरा का ब्रांडिंग चालू है। ऑटो फोकस करता हूँ क्या सारा क्या? हाँ, एक्सोटेरा का ब्रांडिंग है। तो इसको ऐसा नीचे करेगा ना, तो यू कैन ओपन द डोर ऐसा और ऐसा, तो यहाँ से तुम अपना सांप ले सकते हो। इसको ऐसा बंद करो हार्ड, और ये लॉक्ड, तो अभी ये खुलेगा नहीं। फिर सेम टू सेम ऊपर ये जो नेट है, ये नेट पर यहाँ पर लैम्प वगैरह रख सकते हो, और इसका भी ये वाला सिस्टम है। मतलब इसको ऐसे फ्लिप किया तो ये लॉक हो जाता है, जैसे ही अगर अनफ्लिप करने का है तो यू जस्ट ऐसा करके ये अनफ्लिप हो गया। थोड़ा टाइट है क्योंकि नया नया आइटम है, खुल गया। और ये इधर ऐसे रख सकते हैं टाइम पास है, और ये सर नेट इधर से ऊपर से भी खोल सकते हैं, तो जस्ट इन केस तुमको ऊपर से खोलने का है तो ऊपर से खोल सकते हैं। ये एक्सोटेरा का बैकग्राउंड है,
जिसको अपने को ना चिपकाना होता है इधर बैक पे, आई थिंक ग्लू मार्किंग से चिपका सकते हैं, या तो यहाँ पे वायर जाने के लिए आउटलेट है ये सारे, ये आप देख सकते हो ये सारे वायर जाने के आउटलेट है पीछे से, यहाँ से एक कटआउट है वायर जाने के लिए, अगर नीचे अगर हीट मैट रखते हैं तो उसका वायर इधर से निकल के यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। मतलब डिज़ाइन तो बहुत 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 ज़्यादा ही हार्ड किया है लोगों। और अभी अपन थोड़े नए नवीन कारीगर आए, अपन देखो अगर वायर निकल लेगा तो जैसे वायर का आउटलेट रहता ही है, और उसको बंद करने का तो बंद भी कर सकते हैं यहाँ से, यहाँ से भी वायर का आउटलेट है, शॉर्ट इट। सो दिस इज़ इट, यही है अपना एक्सोटेरा का टेरेरियम। इसको यहाँ पे लगा हुआ मैं, और थोड़ा थोड़ा मैं कुछ करने का ट्राई करता हूँ, लेट्स सी। और ये रहेगा स्नेक का टैंक का पोजीशन। ओके सो फाइनली दिस बॉक्स हैज़ माय स्नेक, और मैं पट्टे नर्वस हूँ, लाइक लिटरली मेरी हार्ट बीट लाइक धक 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 हो रही है अभी, बिकॉज आई एम स्केर्ड दैट कभी कभी जनरली ट्रांसफ़र में कुरियर में डेड ऑन अराइवल आ जाता है DOA। सो आई विश माई जिसने मेरे को जो ब्रीडर ने मेरे को दिया है ही इज़ लाइक ब्रो रेस्ट अश्योर डोंट वरी इट्स ऑल सेफ आई फीड लाइक यू नो मैंने आई फेड द स्नेक वेल और पैक भी अच्छे से किया है तो टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब मेरी बहुत ज़्यादा फट रही है एंड आई एम गोना ओपन इट, लेट्स गो। ओके सो डे टू ऑफ माई स्नेक, एंड उसने ऑलरेडी शेड कर दिया अपना स्किन लेट, वो अंदर किधर छुपा हुआ है अभी दिख नहीं रहा, लेकिन आई हैव अ वेरी स्पेशल फ्रेंड हूज हियर, हिज नेम इज मोहक। मोहक इज फ्रॉम एक्सोटिक पेट इंडिया, मतलब जिसको भी एक्सोटिक पेट चाहिए इंडिया में तो मोहक को कॉन्टैक्ट करने का, और वो मेरे लिए एक स्पेशल आइटम नहीं बोल सकते लेकिन एक स्पेशल बेबी लेके आया। ओके ये है लेपर्ड गेको, आजा ओके नाउ पोजीशन मस्त है इसका, लुक एट दिस, इसकी आंख फोकस ऑन नहीं है लेकिन हाय गिर मत गायब हो जाते हैं। अरे बहुत फास्ट है, बहुत ज़्यादा ही फास्ट है, पर गया ना मेरे सारे 10 के 10 निकल गए थे घर में। किधर से गए? मिले फिर 2 दिन बाद। नाउ ही सॉर्टेड, रेस्टिंग ऑन माय आर्म, गेट दिस सच अ क्यूटी। ये कौन सा मॉफ है, क्या बोला था तुमने? टैंजरीन, इट्स टैंजरीन मॉफ। गेट दिस, अभी नेक्स्ट मेरा पूरा टैंक रेडी हो जाएगा तो मैं दिखाऊंगा, उसके बाद ये ब्लॉग एंड करेंगे, बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो पीस आउट एंड बाय फ्रॉम द गेको।